हेलो स्टूडेंट, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम एक नए टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे। इससे पिछले हमने क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स कंप्लीट कर लिया, तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम एक नए टॉपिक केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ के बारे में डिस्कस करेंगे। अर्थात हमारे दैनिक जीवन में केमिस्ट्री का क्या इम्पोर्टेंस है, अर्थात हमारे यहाँ पर केमिस्ट्री जो है डेली लाइफ में कहाँ कहाँ पर काम आती है, कहाँ पर यह काम नहीं आती। तो आज का जो हमारा पॉइंट है वो है केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, और इसके अंदर भी हम सबसे फर्स्ट जो स्टडी करेंगे वो होगा आपका एसिड्स, बेस एंड सॉल्ट। तो आज का हमारा जो पॉइंट है वो है एसिड, बेस एंड सॉल्ट। तो देखिएगा, सबसे फर्स्ट हम बात करेंगे एसिड क्या होता है और बेस क्या होता है। तो हमारा सबसे पहला जो पॉइंट है आज का वो है एसिड और बेस। तो मैं आपको एक कॉमन एग्जांपल से समझाता हूँ, जैसे लेमन, नींबू पानी को जब हम पीते हैं या नींबू को जब हम टंग पर लगाकर उसको टंग पर लगाते हैं तो नींबू हमें खट्टा सा महसूस होता है। तो नींबू खट्टा है और हमें पता है कि नींबू में एसिड प्रेजेंट होता है। ऐसे ही मैं बात करूं कि अपने जो कपड़े धोने का साबुन है, उस कपड़े धोने के साबुन जो होता है, अगर उसको हम अपनी जीभ पे लगा के टच करें तो वो हमें क्या होगा, कड़ा सा महसूस होगा, बीटर। तो ये जो हमें इस प्रकार का जो इनका टेस्ट आ रहा है, ये टेस्ट से ही हमें पता चलता है कि वो एसिड है या बेस है। तो बताओ एसिड किसको बोलेंगे? एसिड वो होते हैं जो शोर इन टेस्ट होते हैं, अर्थात स्वाद, मतलब उनका जो टेस्ट होता है वो शोर, मतलब खट्टे होते हैं। और आपके जो बेस होते हैं, बेस कौन होते हैं? बेस वो होते हैं जो टेस्ट में क्या होते हैं, बिटर होते हैं, अर्थात कड़वे होते हैं। जो स्वाद में कड़वे हो वो आपके बेस हैं और जो स्वाद में खट्टे हो वो आपके एसिड हैं। तो एक तो इनकी जनरल डेफिनेशन ये है। दूसरा है कि एक लैब में पेपर आता है, उसको बोलते हैं लिटमस पेपर। क्या बोलते हैं बेटा उसको? उसको बोलते हैं हम लिटमस पेपर। ये लिटमस पेपर क्या होता है? एक कागज़ का टुकड़ा सा होता है जो दो होते हैं, जैसे एक लिटमस पेपर यह है, एक लिटमस पेपर यह है। इन पे क्या होता है? कलर होता है। जैसे ये लिटमस पेपर है, इस पर ब्लू कलर है तो इसको हम कौन सा लिटमस बोलेंगे? ब्लू। और जैसे मान लो इस पर रेड कलर है तो इसको हम कौन सा लिटमस बोलेंगे? रेड। अब हम जब इस लिटमस पेपर को, जैसे मान लो मैंने कोई बीकर लिया है, उस बीकर में, जैसे मैं आपको एक्सप्लेन कर दूं, ये बीकर लिया है मैंने और इस बीकर के अंदर हमने ये सॉल्यूशन रखा है, मान लीजिएगा ये सॉल्यूशन एसिड का है। अब अगर इसमें हम ब्लू लिटमस को रखेंगे और एक बार हम रेड लिटमस को इसके अंदर डुबोएंगे, जब हम ब्लू लिटमस को इसके अंदर डुबोएंगे तब क्या इफेक्ट होगा और जब हम रेड को इसमें डुबोएंगे तो क्या इफेक्ट होगा? तो अगर ये सॉल्यूशन एसिड का है तो एसिड क्या करता है, इस ब्लू लिटमस को किस में चेंज कर देगा? रेड में चेंज कर देगा। बट यहाँ पर जो रेड लिटमस है उस पर कोई भी इफेक्ट नहीं होगा, तो वो एसिड। तो बताओ एसिड किसको बोलेंगे? एसिड वो होता है जो ब्लू लिटमस को किस में चेंज कर देता है? एसिड, रेड में चेंज कर देता है। अब मैंने क्या किया, यहाँ से इसको चेंज कर दिया। अब मैंने यहाँ सॉल्यूशन एसिड का नहीं, किसका लिया है? बेस का लिया है। बताओ किसका सॉल्यूशन लिया है? बेस का। और अब इसमें वापस वही आपका ब्लू और रेड लिटमस मैंने इसमें वापस डुबोया, तो जब मैं ब्लू और रेड लिटमस को इसमें डुबोऊंगा तो यहाँ पर अब की बार ब्लू पर तो कोई इफेक्ट नहीं होगा, बट आपका जो रेड लिटमस है वो किस में चेंज हो जाएगा? ब्लू में चेंज हो जाएगा। बताओ किस में चेंज हो जाएगा? ब्लू में चेंज हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपका जो बेस है वो क्या करेगा, आपके रेड लिटमस को ब्लू लिटमस में चेंज कर देगा। तो ये भी इसकी डेफिनेशन है। तो एसिड और बेस में हमने इनकी डेफिनेशन के बारे में डिस्कस किया कि इनकी डेफिनेशन क्या है। तो बताओ एसिड किसको बोलते हैं? एसिड वो होते हैं जो टेस्ट में तो बिटर, मतलब शोर होते हैं और वो आपके ब्लू लिटमस को रेड में चेंज करते हैं। जबकि बेस क्या होते हैं? बेस वो होते हैं जो आपके बिटर इन टेस्ट होते हैं और रेड लिटमस को किस में चेंज करते हैं? ब्लू लिटमस में चेंज करते हैं। तो अब हम यहाँ से इनकी डेफिनेशन के बारे में राइट डाउन करेंगे। तो देखिएगा एसिड की डेफिनेशन क्या होगी, क्या होगी? तो एसिड की डेफिनेशन होगी डोज
केमिकल सब्सटेंस, वो केमिकल सब्सटेंस विच आर श्योर इन टेस्ट, जो कि टेस्ट में क्या होते हैं, श्योर होते हैं। तो ध्यान दें, एसिड वो होते हैं दोज केमिकल सब्सटेंस विच आर श्योर इन टेस्ट एंड चेंज कलर ऑफ ब्लू लिटमस टू रेड। तो ध्यान दें, एसिड वो आपके केमिकल हैं जो श्योर अर्थात खट्टे स्वाद में खट्टे होते हैं और वो आपके ब्लू लिटमस को रेड लिटमस में चेंज करते हैं। तो बताओ अब बेस की डेफिनेशन क्या होगी? तो बेस की डेफिनेशन होगी क्या, दोज केमिकल सब्सटेंस विच आर, ध्यान दें ये श्योर है और ये बिटर है अर्थात कड़वे, बिटर इन टेस्ट, ये बिटर इन टेस्ट होते हैं एंड चेंज। तो देखो ये क्या करते हैं, ब्लू को रेड में करेंगे तो ये क्या करेंगे, एंड चेंज कलर ऑफ रेड लिटमस टू ब्लू। तो ध्यान दें, आपके बेस वो होते हैं जो आपके रेड लिटमस को ब्लू में चेंज करते हैं। तो हम शॉर्ट में ऐसे करेंगे कि ये तो वो होंगे जो ब्लू को किस में चेंज करेंगे, रेड में, और ये क्या होंगे जो रेड को किस में चेंज करेंगे, ब्लू में। तो इसके लिए मैंने एक ट्रिक बनाई है, तो अगर कभी डाउट हो जाए तो एसिड बेस को एक्सप्लेन करने के लिए एक ट्रिक है। ट्रिक क्या है वो ज़रा देखिएगा, ट्रिक है अनिल कपूर की, अनिल कपूर की शालिनी। क्या ट्रिक है, अनिल कपूर की शालिनी। अब देखो इसका सेंस क्या है, अनिल कपूर की शालिनी, एफ फोर एसिड, एन फोर ब्लू नीला, एल फोर लाल रेड, अर्थात एसिड ब्लू को रेड में चेंज करता है। और शालिनी, शालिनी में सा का मतलब क्या हो गया, सार अर्थात बेस, एल का मतलब क्या हो गया, लाल रेड, और नी, नी का मतलब क्या होगा, नीला अर्थात ब्लू। तो बेस रेड को ब्लू में चेंज करता है। तो ध्यान दे, आपको इस ट्रिक को याद कर लीजिएगा ताकि कभी भी आपको डाउट ना हो कि एसिड क्या करता है और बेस क्या करता है। अब आप यहाँ से इसका स्क्रीन शॉट लीजिएगा। अब हम यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट कॉन्सेप्ट के बारे में डिस्कस करेंगे। तो देखिएगा, अब हम यहाँ से डिस्कस करेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड बेस थ्योरी। तो ध्यान दे, अब हम यहाँ से डिस्कस करने जा रहे हैं कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड बेस थ्योरी। एसिड बेस थ्योरी को एक्सप्लेन करने वाले कॉन्सेप्ट कौन कौन से हैं, तो उसमें से सबसे फर्स्ट हम डिस्कस करेंगे ऑरिनियस। ये एक साइंटिस्ट का नाम है, तो सबसे पहला हमारा है ऑरिनियस, कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड बेस थ्योरी। अर्थात एसिड बेस को सबसे पहले जो एक्सप्लेन किया था वो था ऑरिनियस। तो ध्यान रखना, ऑरिनियस एक साइंटिस्ट का नाम है और उसी के आधार पर इन्होंने अपने कॉन्सेप्ट का नाम रखा। तो सबसे फर्स्ट हम डिस्कस करेंगे ऑरिनियस कॉन्सेप्ट का। क्या कहा था ऑरिनियस ने, ऑरिनियस ने कहा कि जैसे ये मैंने बीकर लिया है और इस बीकर में क्या करा, वाटर भर दिया, अर्थात ये बीकर है और इस बीकर में हमने वाटर का सॉल्यूशन रखा है। अब इसके अंदर हम केमिकल सब्सटेंस जो भी आपका है उस केमिकल सब्सटेंस को डालेंगे, आपका जो भी केमिकल सब्सटेंस है उसको हमने इसमें डाल दिया। जैसे ही हम केमिकल सब्सटेंस को उसके में डालेंगे, डालने के बाद वो डिसोसिएट होगा और डिसोसिएट होने के बाद अगर वो एच प्लस आयन अर्थात हाइड्रोजन आयन देता है तो उसे क्या बोलेंगे, एसिड। और अगर मान लीजिएगा वो एच प्लस आयन नहीं, अगर मान लीजिएगा वो ओ एच माइनस आयन देता है तो उसको क्या बोलेंगे, बेस। तो इसका मतलब ऑरिनियस ने क्या कहा कि आपके केमिकल सब्सटेंस का हाइड्रोलाइसिस करने पर अगर वो H+ आयन हाइड्रोजन आयन देता है या फिर वो OH- हाइड्रोक्साइड आयन देता है,
अगर वो H प्लस आयन देता है तो उसे एसिड बोलेंगे, अगर वो OH माइनस आयन देता है तो उसे क्या बोलेंगे बेटा, बेस बोलते हैं। तो ध्यान दे, यहाँ से ओरिनियस के अकॉर्डिंग इसकी डेफिनेशन क्या बनेगी, तो एसिड और बेस की डेफिनेशन अकॉर्डिंग टू ओरिनियस कॉन्सेप्ट। ध्यान रखना, आपका ओरिनियस कॉन्सेप्ट ओनली वाटर पर अप्लाई होता है। तो डेफिनेशन क्या हो गई वो देखिएगा, सब्सटेंस विच गिव एच प्लस आयन, जिसको अपन क्या बोलते हैं, हाइड्रोजन आयन या प्रोटॉन भी बोल देते हैं इसको, तो हम प्रोटॉन भी बोल देते हैं, ऑन हाइड्रोलाइसिस, ऑन हाइड्रोलाइसिस इन एक्वस सॉल्यूशन। ध्यान रखना, अगर हम जो भी एसिड है या जो भी आपका सब्सटेंस है, केमिकल सब्सटेंस, अगर उस केमिकल सब्सटेंस का हम हाइड्रोलाइसिस करेंगे एक्वस सॉल्यूशन में, तो वो हमें क्या देगा, H प्लस आयन। जैसे ये एसिड है, जब हम इसको एक्वस फॉर्म में ले जाएंगे, अर्थात वाटर में इसको जब हम डालेंगे, तो ये हमें क्या प्रोवाइड करेगा, एच प्लस आयन। और ये जो एच प्लस आयन आ रहा है, इसी से ही पता चलता है कि वो एसिड है। अब हम बेस की डेफिनेशन करते हैं, बताओ बेस की डेफिनेशन क्या होगी, तो सिंपल सी डेफिनेशन है क्या, सब्सटेंस विच गिव OH माइनस आयन, क्या बोलेंगे OH माइनस आयन को, हाइड्रोक्साइड आयन, क्या बोलते हैं इसको, हाइड्रोक्साइड आयन ऑन हाइड्रोलाइसिस इन एक्वस सॉल्यूशन। तो ध्यान रखना, एक्वस सॉल्यूशन अर्थात वाटर में जो H प्लस आयन देता है उसको एसिड बोलते हैं, और जो OH माइनस आयन देता है उसको बेस बोलते हैं। जैसे यहाँ पर मैं बात करूँ कि जैसे सपोज डेट ये बेस है, इसको हमने वाटर में डाल दिया, डालने के बाद यहाँ से OH माइनस हाइड्रोक्साइड आयन का फॉर्मेशन हो रहा है, तो इसको बेस बोलेंगे और इसको हम एसिड बोलेंगे। अब आप यहाँ से इसका स्क्रीन शॉट लीजिएगा, अब हम इसके एग्जाम्पल्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तो देखिएगा, अब हम यहाँ से इनके एग्जाम्पल, तो मैंने यहाँ पर लिया HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, इसको हमने डिजोल्व किया है वाटर लिक्विड में, बताओ क्या हो जाएगा, यहाँ से इसका डिसोशन हो जाएगा और इससे आपके पास क्या बनेगा, तो ये वाटर इसको H प्लस देगा, क्योंकि ध्यान दे ये एसिड है, और ये एसिड है तो ये अपना इसको प्रोटोन देगा H प्लस। जैसे ही इसको अपना प्रोटोन देगा तो ये तो बन जाएगा H3+O, इसको बोलते हैं हाइड्रोनियम आयन, हाइड्रोनियम आयन, तो ये हाइड्रोनियम आयन का फॉर्मेशन हो गया, और यहाँ से क्या बाहर हो जाएगा Cl- एक्वस और एक्वस फॉर्म में। हम चाहे तो इस रिएक्शन को ऐसे न लिखकर ऐसे भी लिख सकते हैं, यही रिएक्शन है सेम, हम इसको डायरेक्ट लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, HCl इन एक्वस। HCl इन एक्वस का मतलब क्या है कि इस HCl के अंदर वाटर है, तो जैसे इसका डिसोशन होगा ये क्या बना देगा, H प्लस एक्वस और Cl माइनस एक्वस, अर्थात उस सॉल्यूशन में H प्लस आयन और Cl माइनस आयन होगा। अब हम बात करते हैं एग्जांपल नंबर टू, एग्जांपल नंबर टू में मैंने लिया है HNO3, वही एक्वस में, बताओ क्या हो जाएगा, HNO3 लेंगे तो यहाँ से क्या बन जाएगा, H प्लस किसके अंदर, एक्वस में, और साथ में क्या बनेगा, NO3 माइनस किसके अंदर, एक्वस में। ऐसे देखिएगा एग्जांपल नंबर थर्ड, एग्जांपल नंबर थर्ड में मैंने लिया H2SO4, अब आप देखो H2SO4 में एक प्रोटोन नहीं है, दो प्रोटोन है, ध्यान दे H2SO4 जो है उसमें एक प्रोटोन नहीं है, यहाँ पर दो H और दो H होने की वजह से इसको क्या बोलेंगे, डाई बेसिक। कहने का मतलब H2SO4 हमें दो प्रोटोन डोनेट कर सकता है या 2H+ आयन डोनेट कर सकता है, इसलिए इसका डिसोशन होगा तो यहाँ बनेगा 2H+ एक्वस और प्लस SO4 2- एक्वस। ऐसे ही देखिएगा नंबर फोर एग्जांपल ले रहा हूँ मैं, नंबर फोर में मैंने लिया CH3COOH एक्वस एसिटिक एसिड, ये भी आपका एसिड है, यहाँ पर देखो एक ही H है तो ये आपको सिंगल H+ आयन प्रोवाइड करेगा, इसको मोनोबेसिक बोलते हैं, और साथ में बन जाएगा CH3COOH एक्वस। तो ये आपके
एसिड्स के जो एग्जाम्पल है अकॉर्डिंग टू ओरिनियस, ये एसिड्स के एग्जाम्पल हुए। अब हम यहाँ से डिस्कस करेंगे बेस के एग्जाम्पल। बेस में मैंने सबसे फर्स्ट लिया के ओ एच इन एक्वस। अभी हमने जब क्लासिफिकेशन और पेरियोडिक टेबल के बारे में डिस्कस किया था तब कहा था कि मेटल के ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड बेस इन नेचर है, अर्थात मेटल के ऑक्साइड बेसिक होते हैं। क्यों? क्योंकि मेटल के ऑक्साइड वाटर के साथ रिएक्शन करके क्या बनाते हैं? बेस। तो ये बेस है। अब आप देखो जब यहाँ से इसका डिसोशन होगा तो यहाँ से बनेगा के प्लस ओ एच माइनस आयन, अर्थात ये क्या प्रोवाइड करा रहा है? हाइड्रोक्साइड आयन, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं? बेस। ऐसे ही देखिएगा नेक्स्ट एग्जाम्पल ले रहा हूँ मैं NaOH, ये एक्वस। अब देखो NaOH एक्वस में इसका डिसोशन करोगे तो क्या बनेगा बताओ? Na प्लस OH माइनस। ये भी एक्वस फॉर्म में है, ये भी एक्वस है, ये भी एक्वस है और ये भी एक्वस। एक्वस का मतलब ये सारा काम आपके सॉल्यूशन में हो रहा है। ऐसे ही मैं एक और एग्जाम्पल ले रहा हूँ CaOH2 होल ट्वाइज 2, ध्यान रखना आपकी बात, होल ट्वाइज 2। तो जब हमने आपको इंट्रोडक्शन ऑफ केमिस्ट्री पढ़ाया था तब आपको ये फॉर्मूले बनाना सिखाया था। तो ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का है, कैसे बना था वो मैंने आपको बता दिया। कैल्शियम पे प्लस 2 है, OH पे माइनस 1 है, इसे क्रॉस करेंगे ये बन जाएगा। अब जब इसका डिसोशन करेंगे तो देखो यहाँ से कैल्शियम पर तो क्या आएगा? Ca प्लस 2 और 2OH माइनस, ध्यान रखना ये 2OH माइनस आयन दे रहा है, इसलिए इसको बोला था जैसे हमने डाई बेसिक, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? डाई एसिडिक, अर्थात ये 2OH माइनस है, अर्थात ये दो एसिड को न्यूट्रलाइज करता है, इसलिए डाई एसिडिक है। अब बात आती है एक और एग्जांपल ले लूँ इसमें, ऐसे ही मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड एक्वस, बताओ क्या हो जाएगा? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड एक्वस फॉर्म में इसका डिसोशिएट करोगे तो क्या बनेगा? Mg प्लस 2 एक्वस और साथ में क्या बनेगा? 2OH माइनस, 2 हाइड्रोक्साइड आई इन एक्वस। अब आप यहाँ से इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ये एसिड और बेस के एग्जांपल कंप्लीट हुए। अब हम ओरिनियस कॉन्सेप्ट का ड्रॉबैक पढ़ेंगे कि ओरिनियस कॉन्सेप्ट क्यों फेल हो गया, अर्थात ओरिनियस कॉन्सेप्ट ज़्यादा वैलिड क्यों नहीं है। तो देखिएगा अगर हम ओरिनियस कॉन्सेप्ट के बारे में डिस्कस करें तो आपका ओरिनियस कॉन्सेप्ट के लिए सबसे इम्पोर्टेंट और कंपलसरी है कि यह सारा काम किसके अंदर होता है? ओनली हाइड्रोलाइसिस पर ही होता है। हाइड्रोलाइसिस का मतलब हम जो भी कंपाउंड लेंगे उसको वाटर के अंदर ही डिजोल्व करेंगे। फिर उसने कहा कि जो प्रोटॉन डोनर है वो एसिड है और जो OH माइनस डोनर है वो बेस है। तो उसने बेस उसको बताया जो OH माइनस डोनर होता है और उस एसिड उसको बताया जो H प्लस डोनर होता है। लेकिन कई एसिड होते हैं जिनमें H प्लस आयन नहीं होता, कई बेस ऐसे होते हैं जिनमें OH माइनस नहीं होता, तो फिर उनको हम कैसे एक्सप्लेन करेंगे कि वो एसिड है या बेस है? जैसे अगर मैं बात करूं, आप देखिएगा BCl3 ये बेस है, सॉरी ये एसिड है। अब आप इसको कैसे एक्सप्लेन करोगे कि एसिड है? क्योंकि इसको जब इसमें डालेंगे तो H प्लस आयन नहीं देगा। तो जैसे और मैं बता दूं NH3 अमोनिया, अमोनिया बेस है, अगर मैं इसको वाटर में डिजोल्व करूंगा तो ये OH माइनस आयन नहीं देगा। अब बताओ अगर ये OH माइनस आयन नहीं देगा तो हम इसको कैसे एक्सप्लेन करें कि ये एसिड बेस है? इसलिए ये थ्योरी आपकी क्या नहीं हुई, मतलब ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं हुई, ज़्यादा इवेल्यूएट नहीं हुई। अब मैं बात करूँ दूसरा ड्रॉबैक, सेकेंड ड्रॉबैक यह है कि वाटर है, जब हम वाटर का डिसोशन करते हैं तो वाटर तो H प्लस भी देता है और OH माइनस भी देता है। तो इसका मतलब इस कॉन्सेप्ट के हिसाब से वाटर एसिड भी है और वाटर बेस भी है। तो इसका मतलब ये नेचर ऑफ वाटर के बारे में भी एक्सप्लेन नहीं कर सका, क्योंकि आप देखो वाटर का जब डिसोशन होगा तो वाटर के डिसोशन से H प्लस भी बनेगा, OH भी बनेगा, अर्थात वाटर प्रोटोन भी देता है, हाइड्रोजन आयन भी देता है और हाइड्रोक्सिल आयन भी देता है। तो ये नेचर ऑफ वाटर के बारे में भी एक्सप्लेन नहीं कर सका। नेक्स्ट यह है, और ये भी एक्सप्लेन नहीं कर सका कि H प्लस की एसिडिक नेचर क्या है और OH माइनस की बेसिक नेचर क्या है। तो ये इसकी ड्रॉबैक्स है, इस वजह से ये कॉन्सेप्ट ज़्यादा वैलिड नहीं है। तो सबसे फर्स्ट जो ड्रॉबैक है इसका, ड्रॉबैक बोल दो या इसकी लिमिटेशन बोल दो, बात एक ही है। तो इसका सबसे फर्स्ट ड्रॉबैक है कैन नॉट एक्सप्लेन नेचर ऑफ वाटर, ध्यान रखना ये वाटर की नेचर को एक्सप्लेन नहीं कर सका। सेकेंड है नॉट एक्सप्लेन नेचर
ऑफ एच प्लस लेस एसिडिक एंड ओ एच माइनस लेस बेसिक। और थर्ड ड्रॉबैक इसका यह है कि वो सब्सटेंस जिनमें एच प्लस आइन और ओ एच माइनस आइन नहीं होते उनके भी ये एक्सप्लेन नहीं कर सकता। तो नेक्स्ट है नॉट एक्सप्लेन दोज केमिकल सब्सटेंस विच डज नॉट कंटेन एच प्लस और ओ एच माइनस आयन। तो ये इसकी ड्रॉबैक्स है। तो ध्यान रखना, फर्स्ट ड्रॉबैक तो यह है कि वाटर की नेचर के बारे में नहीं बता सका कि वाटर एसिड है बेस है। दूसरा ये भी कंपेरिजन नहीं कर सकते इसमें कि आपका जो एच प्लस है वो मोर एसिडिक है लेस एसिडिक है। और हम इससे ये भी एक्सप्लेन नहीं कर सकते कि यहाँ पर आपके पास वो सब्सटेंस जिनमें एच और ओ एच माइनस आयन नहीं होता वो एसिड है या बेस है। इसी के साथ आपका ये एसिड बेस जो कॉन्सेप्ट है उसका फर्स्ट पोर्शन कंप्लीट हुआ। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।